कल भी ये घटना को जुलूस के दौरान अंजाम दिया गया। नेता महोदय और अश्वनी चौबे जी के बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी महोदय। मुख्यमंत्री लूट के देखिए भाई, कुछ अब पता नहीं कोई क्यों नहीं सिखाता अब्दुल बारी सिद्दीकी यहीं बैठे हुए भाई, कुछ तो अनुभव। एक मिनट सुनो बाबू, एक बात बात समझो, बात समझिए। राजनीति में लंबा कैरियर है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस तरह की चीजों को बहुत प्रमुखता से बोलना सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की बात हो जाती है, इसलिए प्लीज ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। यह अफवाह उड़ती है, कहीं कोई विवाद चल रहा है उसको आप सदन के माध्यम से उभार कर पूरे प्रादेशिक विषय को बनाएंगे, इसका मतलब है कि आपकी आकांक्षा भी दंगा भड़काने की है। जी का जो विचार है और जिस तरह से इनकी नीति रही है, ये पूरा दोगला नीति के हैसियत से ये काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने अंतरात्मा को जगाइए, कुर्सी के प्यार को भूलिए और समाज का सेवा कीजिए। समाज में वातावरण अच्छा रहे, भाईचारे का माहौल रहे, इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं कि कब गिरफ्तार करेंगे अश्वनी चौबे के बेटे को। हम लगातार खड़े होकर के, हमारे साथ साजिश की गई, जब मुख्यमंत्री जी को बोलने का मौका मिला तो हम चुपचाप बैठ गए बीच में। हम उठे कि अब बोल लिया आपने मुख्यमंत्री जी, अब हमको भी, हमारी बात को भी सुनिए, तो हमारी बातों को एकदम इग्नोर किया गया, माइक जो है वो काट दिया गया ताकि हमारी जो बात है वो आप सब लोगों के सामने ना आ पाए। लेकिन हम तो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहते हैं कि समाज तोड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, पाताल से भी ले आएंगे, लेकिन वहां तो आपका अलायंस का, आपके ही अलायंस का, केंद्र सरकार के राज्य मंत्री का बेटा आपको चुनौती देता है और FIR को बोलता है कि आप कूड़े के दान में फेंकते हैं, हम अपने घर में हैं, है औकात तो कोई आकर के हमको गिरफ्तार करके दिखाए। ये तो सरासर चुनौती है। अब मुख्यमंत्री जी को क्या ये नहीं पता कि दंगा कराने वाले कौन लोग हैं? जब आपको पता है रामनवमी में इस तरह की घटना होने जा रही है, तो आपने गिरिराज सिंह जी को खुले छोड़ रखा है, अश्विनी चौबे को खुलेआम उनके बेटे को छोड़ के रखने का काम किया, नित्यानंद को खुलेआम छोड़ने का काम किया, क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? आखिर कहाँ है प्रशासन, प्रशासन के लोग? जहाँ शासक जो है वो बार बार बोल रहा है अश्विनी चौबे का बेटा कि हमको गिरफ्तार कर लो, हम तो यहीं हैं, और मुख्यमंत्री के घर के बगल में वो रहता है, फिर भी कहाँ है भाई पुलिस? क्यों नहीं कोई कर पा रहा? सुशील कुमार वहाँ क्या करके दंगा भड़काने का काम कर रहे? बीजेपी के सांसद वहाँ पे और औरंगाबाद के, क्या इन लोगों को सूचना नहीं मिली थी? क्या झूठ मूठ का चिंतित हो रहे थे ये लोग बैठ करके? तो क्या कार्रवाई की गई? आज उन्हीं लोगों के साथ आपने समझौता कर लिया है, दंगाइयों से समझौता कर लिया, सरकार में बैठा दिया चोर दरवाजे से, और आप कहते कि आप समझौता नहीं कर सकते? जिसको जनादेश नहीं मिला, जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम करता है, पूरे हिंसा को अंजाम देने का काम करता है, सबूत है, गवाह है, आपके प्रशासन के लोग FIR कर रहे हैं, वारंट कोर्ट से जारी हो रहा है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और कहते कि हम समझौता नहीं कर सकते? नाम क्यों नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी? विपक्ष को बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये सारा कारनामा का जिम्मेदार भाजपा से ज्यादा हम मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हैं। हाथों में इन्होंने चूड़ियां पहनने का काम किया है, और क्योंकि ये भाजपा के अलायंस के उनके मंत्री के बेटे हैं, ये जानते हैं अगर कोई कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, तो इनका जो कुर्सी का प्यार है, इनसे कुर्सी छिन जाएगा, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और एड़ी अलगा अलगा के भाषण यहाँ हाउस में हम लोगों को पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने बोलते हम कि लालू जी से सीखिए, लालू जी कहीं भी दंगा होता तुरंत ऑन स्पॉट पहुंच जाते थे, ऑन स्पॉट पहुंच के पूरे दंगा को कंट्रोल में करने का काम करते थे। ये मुख्यमंत्री जी बड़े डरपोक हैं। इतिहास, भारत के इतिहास में किसी भी प्रांत का अगर मुख्यमंत्री देखा जाए तो सबसे ज्यादा डरपोक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, सबसे ज्यादा लालची अगर कोई होगा, जिसके स्वार्थ में पूरे समाज को तबाह कर दिया, पूरे तरीके से दंगा फैलाया जा रहा है, ऐसा लालची मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होगा जितना लालची कुर्सी के प्रेम के चलते पूरे हिंदू मुस्लिम दंगा। हम लोग क्या कह रहे थे जब भागलपुर में हुआ कि 100 मौतों का इंतजार करेंगे तब जाके कार्रवाई करेंगे,
यहाँ औरंगाबाद में उसके बाद दो को गोली लग गई, क्या कार्रवाई हुई, किनको पकड़ा गया, कौन लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस, कहाँ गया आपका विजिलेंस, कहाँ आईबी, कहाँ छुपा हुआ है? नाम लेने में कतराते हैं गिरिराज सिंह का, नाम लेने में अश्विनी चौबे का बेटे का नाम लेने में कतराते हैं। ये लोग क्या इनसे मुकाबला करेंगे? इन लोगों ने तो बेईमानी से चोर दरवाजे से इनको सत्ता में लाने का काम किया, और भाजपा के लोग जो हार हुई है इनकी हार को छुपाने के लिए, जैसा हम लोगों को अंदेशा था वैसा ये लोग काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भाई में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, जब हमको सूचना मिला था कि भागलपुर में ऐसी घटना हुई, तभी हम लोगों को अंदेशा हो गया था कि पूरे बिहार के हर एक जिलों में ये खतरा होगा। हमने सीधे रामचंद्र पूर्वे जी को फोन किया, सारे जिला अध्यक्ष के, जितने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के, सभी लोगों को, अपने नेता एमएलए, जितने सारे कार्यकर्ता, सबको हम लोगों ने सूचित करने का काम किया कि भाईचारा कायम करने का काम कीजिए आप लोग, कहीं कोई उन्माद होता है तो तुरंत प्रशासन को खबर कीजिए और आप लोग वहां पहुंच करके मामले को कंट्रोल में करने का काम कीजिए। हमने बोला भी है, मुख्यमंत्री जी अगर आपके बस की बात नहीं है, आप भले ही मुख्यमंत्री रहो लेकिन ये जिम्मेदारी है, अगर अश्विनी चौबे के बेटा को आप नहीं पकड़ सकते तो ये जिम्मेदारी मेरे को दे दीजिए और चार सिपाही दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, हम लेकर के आ जाएंगे एक घंटे के अंदर। खुलेआम चुनौती दे रहा है कि हमको गिरफ्तार करें, वो कहीं भागने वाला है क्या, वो डरपोक है क्या? वो तो कह रहा है कि हम दबंग हैं, मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर सके। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी ने क्यों चुप्पी साध रखी है और खुल करके कभी भी नाम गिरिराज सिंह का, नित्यानंद का, अश्विनी चौबे जी या उनके बेटे का खुल के नाम आज तक नहीं लिया, क्यों नहीं लिया गया? जब यही सवाल पत्रकार के, विपक्ष के लोग उन लोगों से पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का इशारा आप लोगों की तरफ है, तो वो लोग सरा से निकालने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री को आ करके बताना चाहिए कि कौन लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो दंगा फसाद भागलपुर की घटना हो, दरभंगा की घटना हो, हम मुख्यमंत्री को एक प्रपोजल देने आए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आप सशावत को वारंट जारी होने के बावजूद भी अगर आप गिरफ्तार नहीं कर पाओगे तो ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों को दे दीजिए, हमको जिम्मेदारी दे दीजिए, चार सिपाही दे दीजिए, हम कहीं भी होगा पताल में ढूंढ करके हम ला करके गिरफ्तार करवा के लाने का काम करेंगे। लेकिन कहाँ भाई छुपे हुए हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से सरकार में है, और बीजेपी को अगर जहाँ नाराज करेंगे तो जो कुर्सी का जो प्यार नीतीश चाचा जी को है, वो कुर्सी उनके हाथों से छीन जाएगा, उस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बात चल रही कि सरेंडर करेंगे, अरे भाई इतने दिनों से वो चुनौती दे रहा है, सारे प्रमाण आपके पास प्राप्त है, पटना में बैठा हुआ हो या भागलपुर में बैठा हो, तो कह रहा कि पटना में मुख्यमंत्री आवास के चंद किलोमीटर दूर वो बैठा हुआ है, चैलेंज कर रहा है अपने घर। लेकिन मुख्यमंत्री जी या उनका प्रशासन पे इतना दबाव है कि चाह करके भी प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। ये जितना नीतीश कुमार जी का जितना FIR हो, वारंट हो, कानून का राज हो, कायम रहेगा, ये सारा ढोंग है, सारा नौटंकी है, सारा ड्रामा है। इन्होंने खुद दंगाइयों के साथ समझौता किया, चोर दरवाजे से इनको सरकार में लाने का काम किया, और पूरी अनुमति आप दंगा कीजिए, यहाँ आप ही का राज है, इसलिए हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, लेकिन आप अपना काम कीजिए। लेकिन मेरा सवाल, आज यशवनी चौबे जी ने कह दिया अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन इनको कहा भाई, हम लोगों को तो नहीं कहा होगा, हम लोग तो राजपाट में कई सालों से हम लोगों का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, कौन है भाई, किसको इशारा था? यानी बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं इशारा से कि कहीं तुम गिरफ्तार अगर करोगे तो तुम्हारा कुर्सी हम खींच लें। ये बात आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई मुख्यमंत्री नहीं आए सदन में, इतनी बड़ी घटना हो रही है, अब क्या मुख्यमंत्री एक्सप्लेनेशन मांगेंगे? तेजस्वी के इशू पे एक्सप्लेनेशन मांगते थे, और इनके प्रवक्ता मौनी बनकर के अभी चुप्पी साधे हुए हैं। सारे नौटंकी को बिहार की जनता देख रही है, इसलिए आप सब लोगों के माध्यम से तो सारी बातों को हम भी चाहते थे, अगर वो आते तो हम भी उठ करके इन सवाल को हम उनसे पूछने का काम करते। अब भले ही सरकार का उत्तर होगा, अगर वो आते हैं
तो हम जरूर इन सवालों को हम पूछने का काम करेंगे कि क्या कार्रवाई की है। अगर यहाँ मौजूद होने की जो प्रमाण की जरूरत है कि कहाँ बैठे, सबको एड्रेस पता है, सबको चीज़ें पता है, क्राइम पता है, एड्रेस पता है, फिर भी नौटंकी पे नौटंकी भाषण देने से देश या राज्य या सरकार नहीं चलता। अगर इतना कमज़ोर सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार जी हो, इसलिए ये सारी बात हम आप लोगों के बीच कहना है। आप देखिए लगातार जो है पत्रकारों का आप आटिया ही लगाइए और देखिए, ये तो आड़ा पट्टा के बगल की बात, कई जो छोटे छोटे पत्रकार होते हैं जो प्रखंड लेवल के होते हैं, जो जिला में रहते हैं, जो सारी चीज़ों को कवरेज करने का काम करते हैं, उन पर कितना टॉर्चर होता होगा। अगर वो सही बात लिखते होंगे तो उनको क्या क्या लोग जो इस तरह से समाज में दबंग लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे सच्चाई को वो लोग छांपने का काम करें, जनता के बीच लाने का काम करें, उन लोगों पे क्या बीतता होगा, ये तो मुख्यमंत्री जी को आज जवाब देना चाहिए। चलिए,